दोस्तों आज इस पृथ्वी पर कैमोफ्लाज करने वाले बहुत सारे जीव हैं, जो कि अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को कहीं गायब कर लेते हैं। स्टिक इंसेक्ट भी उन्हीं जीवों में आता है, जिसके शरीर की बनावट उसके आसपास के वातावरण के अनुसार होती है, जिससे यह दूसरे जीवों से अपनी सुरक्षा करता है। दरअसल स्टिक इंसेक्ट काफी धीरे चलने वाले जीव होते हैं और किसी सूखे या हरे तिनके के समान दिखाई देते हैं, जो कि अपना ज्यादातर समय एक ही स्थान पर रहकर गुजारते हैं, जिस कारण से यह शिकारियों से बचने के लिए कैमोफ्लाज टेक्निक का सहारा लेते हैं। दोस्तों स्टिक इंसेक्ट फैजमाटोडिया वर्ग के कीटों में आते हैं, जो कि पत्तियों को खाते हैं और पत्तियों और टहनियों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। इस ऑर्डर की आज दुनिया भर में 3000 से ज्यादा स्पीशीज निवास करती है। स्टिक इंसेक्ट आज अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर के सभी महादेशों में पाए जाते हैं और यह अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 2 से 3 सेंटीमीटर के होने वाले क्रिस्टीन स्टिक इंसेक्ट से लेकर लगभग 21 इंच के होने वाले जायंट वॉकिंग स्टिक जितने बड़े हो सकते हैं। दोस्तों स्टिक इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों स्टिक इंसेक्ट अपने पूरे जीवन काल के दौरान सैकड़ों अंडे देते हैं। इनमें से कुछ स्टिक इंसेक्ट की प्रजातियां एडल्ट होने के बाद रोजाना 1 अंडे देती हैं। यह अपने अंडों को पेड़ पर किसी एक स्थान पर देने के बजाय अलग अलग स्थानों से नीचे ड्रॉप कर देती है, जिससे अंडों के बचे रहने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनके अंडे किसी बीज की तरह दिखाई देते हैं। असल में अंडों की तरह दिखने वाला यह बीज एक वसायुक्त कैप्सूल होता है, जिसके अंदर स्टिक इंसेक्ट के अंडे होते हैं। बीज की तरह दिखने के कारण चींटियां इन अंडों को कलेक्ट कर अपने कॉलोनी में ले जाती है और अंडों के ऊपरी वसायुक्त कैप्सूलम को खाकर अंडों को अपने कचरे वाले एरिया में फेंक देती है, जहां अंडे दूसरे जीवों से सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों यहां एक बात आपको बता दें कि स्टिक इंसेक्ट की कई प्रजातियों में फीमेल मेल के साथ बिना मेटिंग की प्रक्रिया में भाग लिए ही अंडे दे सकती है, लेकिन इन अंडों से जन्म लिए बच्चे बस फीमेल ही पैदा होती है। लेकिन वहीं मादा जब नर के साथ मिलन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद जिन अंडों को देती है, उन अंडों से मेल और फीमेल दोनों तरह के बच्चों का जन्म होता है। दोस्तों स्टिक इंसेक्ट के द्वारा अंडों को देने के बाद लगभग 3 से 5 महीनों के बाद इन अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर निकलते हैं और अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण यानी कि निम्फ स्टेज में पहुंच जाते हैं। नन्हे जन्म लिए यह निम्फ असल में एडल्ट के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन यह साइज में छोटे होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अंडों से निकले यह बच्चे चींटियों की नकल करते हैं ताकि वह दूसरे जीवों को चकमा दे सके। वहीं दूसरी तरफ जिन स्टिक इंसेक्ट के बच्चों का जन्म एंट कॉलोनी में होता है, वह एंट की तरह मिमिक्री का इस्तेमाल वहां से बच निकलने के लिए करती है। आपको बता दें कि जन्म लेने के बाद यह बच्चे समय समय पर मोल्टिंग करते हैं, जिसके दौरान इसके शरीर के विभिन्न अंग पहले से बड़े और विकसित हो जाते हैं और लगभग 6 महीनों के बाद यह पूरी तरह एडल्ट हो जाते हैं, जिसके बाद यह प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोल्टिंग इंसेक्ट के बाहरी आवरण को उतारने का एक प्रोसेस होता है। दरअसल इंसेक्ट के शरीर जब बढ़ते हैं तब यह इसके पुराने एक्सोस्केलेटन में फिट नहीं होते, जिस कारण से यह इंसेक्ट अपने एक्सोस्केलेटन यानी कि अपने शरीर के बाहरी आवरण को उतार देते हैं। इसी प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। दोस्तों स्टिक इंसेक्ट भले ही मोशनलेस या स्लो चलने वाले जीव होते हैं, लेकिन यह कई असाधारण खूबियों से भरे होते हैं। जैसे कि जब कोई शिकारी किसी स्टिक इंसेक्ट पर हमला करता है, तब यह अपने शरीर से दुर्गंध युक्त और पॉइजनस केमिकल का रिसाव करते हैं, जिससे इसके शिकारी के मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और यह उसे चकमा देकर कहीं गायब हो जाते हैं। वहीं यंग स्टिक इंसेक्ट पकड़े जाने पर अपने पैरों को सबसे कमजोर हिस्से से अलग कर लेता है और शिकार होने से बच जाते हैं। यंग स्टिक इंसेक्ट के टूटे हुए पैर समय के साथ फिर से वापस उग जाते हैं, लेकिन एडल्ट और बूढ़े होने के साथ साथ इसकी यह खूबियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्टिक इंसेक्ट के पास अपने शरीर के कलर को चेंज करने की भी काबिलियत होती है, जिससे यह अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर का रंग बदलकर शिकारियों को चकमा देने का काम करते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जब स्टिक इंसेक्ट के बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तब यह भूरे रंग के होते हैं, लेकिन वयस्क होने के दौरान और हर एक मोल्टिंग के साथ साथ इनमें कैमोफ्लाज करने की काबिलियत विकसित होती चली जाती है और यह अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कुछ महीनों से लेकर लगभग 1 साल तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।